नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। विमर्श न्यूज पर अभी फेसबुक लाइव से जुड़ने का ये समय इसलिए है कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूं पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर ये जो जमावड़ा हुआ है आप देख रहे हैं। ये सैकड़ों लोग हाथों में तख्तियां लिए हुए, बैनर पोस्टर लिए हुए पटना से छपरा तक की पैदल यात्रा के लिए निकले हैं। हम आपको ये बता दें कि सगुनी पंचायत की परसा थाना क्षेत्र के सगुनी पंचायत की सरपंच बिंदु देवी को झूठे मुकदमे में फंसाकर उनको जेल भेज दिया गया है। पिछले 20 दिनों से सगुनी पंचायत की सरपंच जेल में बंद हैं और उनको पुलिस ने झूठे मुकदमे में फंसा के उनको ऐसी कार्रवाई की है कि लोग उससे आक्रोशित हैं, जनता आक्रोशित है, पटना के लोग आक्रोशित हैं। नागरिकों का एक बड़ा मंच इस समय जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी के बैनर तले पटना से छपरा तक की पदयात्रा कर रही है। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग यहां जुटे हैं। ये आम नागरिक हैं, पटना के लोग हैं। ये जो लोग मांग कर रहे हैं कि सगुनी पंचायत की संभ्रांत महिला, जो पढ़ी लिखी महिला हैं और एक ईमानदार सरपंच हैं, जो हर रोज पंच लगाकर क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करती हैं, और ऐसी सरपंच को झूठे मुकदमे में फंसाकर परसा की पुलिस ने उनको जेल भेज दिया है, और इस पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ लोग आक्रोशित हैं, लोग गुस्से में हैं, और लोग पटना से सारण, माने आप समझ जाइए कि परसा थाना तक की ये पदयात्रा आज शुरू हो रही है। आज ये पदयात्रा शुरू होगी दीघा होते हुए जेपी सेतु को पार करके नया गांव में कल रात्रि विश्राम होगा और उसके बाद फिर छपरा के लिए ये पदयात्रा प्रस्थान करेगी। तो ये पदयात्रा किस लिए हो रही है, कुछ लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे यहाँ पर और ये जानेंगे कि आखिर लोगों का गुस्सा क्यों है और इतनी लंबी पदयात्रा, लगभग 70 किलोमीटर की ये पदयात्रा क्यों हो रही है। आइए कुछ लोगों से हम लोग बातचीत कर लेते हैं। एक ये जो आपकी पदयात्रा हो रही है किस लिए हो रही है? आज हम लोग का पदयात्रा पटना से चलकर सारण जिले के छपरा जिले के परसा थाना के सामने जाकर के प्रदर्शन करने का काम किया जाएगा। यह पदयात्रा सारण जिले के सगुनी पंचायत के सरपंच बिंदु देवी की गिरफ्तारी के विरोध में किया जा रहा है और उसके रिहाई के सवाल को लेकर किया जा रहा है। चलिए, बिंदु देवी की गिरफ्तारी पर परसा की पुलिस ने झूठे मुकदमे में बिंदु देवी को गिरफ्तार किया और उनको जेल भेज दिया। इसको लेकर क्षेत्र के इलाके में गुस्सा तो है ही, पूरे राज्य में सामाजिक कार्यकर्ता बुद्धिजीवी समाज आक्रोशित है और पटना से, राजधानी पटना से सैकड़ों लोग हाथों में तख्तियां बैनर लिए हुए परसा की ओर बढ़ रहे हैं। ये पदयात्रा यहाँ से शुरू हो रही है। जरा बताइए आपका ये आंदोलन किस लिए है और आपकी मुख्य मांग क्या है? देखिए, जो भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज के तहत जो सरपंच को दायित्व दिया है न्याय के लिए, उसमें एक बाधा उत्पन्न किया जा रहा है प्रशासन और पुलिस के द्वारा, क्योंकि उसमें बहुत से अवैध शराब और बहुत तरह के गलत धंधे करने वाले लोग संगठित हो रहे हैं और जो सरपंच हैं उनको अपने काम करने से रोका जा रहा है और उनका ये दायित्व है, उनका ड्यूटी है, जनता ने उनको वोट दे के जिताया है कि वह ग्राम कचहरी लगावे और वहाँ लोगों को न्याय दे सस्ते दर पर बिना पैसे का, और इसमें एक तरह से ये खलल पैदा किया जा रहा है, बाधा उत्पन्न किया जा रहा है, एक लोकतंत्र के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है, और उसी को लेकर के हम लोग पटना से सारण तक जो है सो ये पदयात्रा शुरू की है। आपका मुख्य मांग क्या है? आप वहाँ जाकर कोई सभा करेंगे या क्या करेंगे? वहाँ पर हम लोग का रास्ता भर में प्रचार है ही और साथ साथ वहाँ हम लोग सभा भी करेंगे, वहाँ की जनता के सामने रखेंगे और जो श्रीमती बिंदु देवी जो सरपंच हैं उनको रिहा के लिए जैसे हम लोग दबाव बनाएंगे। चलिए, तो आप देख रहे हैं ये नज़ारा पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। हम अपने दर्शकों को ये बताते चले कि ये फेसबुक लाइव विमर्श न्यूज़ का ये फेसबुक लाइव इसलिए हो रहा है कि पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर ये जो सैकड़ों लोग जुटे हुए हैं ये पटना से पैदल चलकर सारण जिले के परसा थाना तक पहुंचेंगे और वहां पर जाकर एक जनसभा को संबोधित करेगी। ये भीड़ वहां पहुंचेगी और उसके बाद लोग अपनी मांग रखेंगे। हम आपको ये बता रहे हैं कि परसा थाना क्षेत्र के सगुनी पंचायत की सरपंच बिंदु देवी को झूठे मुकदमे में फंसाकर सारण की पुलिस ने उनको जेल भेज दिया है और उनके जेल भेजने की इस कार्रवाई के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर
जुटे हैं, हाथों में तख्तियां लिए हुए, बैनर लिए हुए, ये सब लोग पैदल यात्रा करते हुए सारण पहुंचने वाले हैं। सारण के परसा थाना पर एक प्रदर्शन होगा, जहां पर एक सभा में ये पदयात्रा जो है सभा में तब्दील हो जाएगी, वहां पर एक सभा होगी, थाने को ज्ञापन सौंपा जाएगा और ये सब कुछ होगा। लेकिन हम आपको ये बताते चले कि सगुनी पंचायत की संभ्रांत महिला सरपंच बिंदु देवी को झूठे मुकदमे में फंसाकर उनको जो जेल भेजा गया है, उसी के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ते जा रहा है। राजधानी पटना से बड़ी संख्या में लोग परसा थाना की ओर कूच कर रही है, पैदल यात्रा होगी और रास्ते में इनके साथ ये कारवां बनता जाएगा, लोग जुटते जाएंगे। तो दीघा में आज दिन का विश्राम होगा, दिन का भोजन करने के बाद फिर जेपी पुल से होते हुए नया गांव में आज रात्रि विश्राम होगा और कल फिर ये यात्रा सारण के लिए शुरू हो जाएगी। आइए हम आकांक्षा जी, आप बताइए ये आपका ये प्रदर्शन किस लिए हो रहा है और आपके मुख्य डिमांड्स क्या हैं? सबसे पहले तो जैसा कि बैनर पे दिखाई दे रहा है, सगुनी पंचायत की सरपंच बिंदु देवी को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका कसूर बस इतना था कि जिस चीज़ के लिए उनको वो पद दिया गया था उस ड्यूटी को वो निभा रही थी और गरीबों मजलूमों के पक्ष में आवाज़ उठा रही थी, बस ये उनका कसूर था जो आज के इस व्यवस्था में, इस समाज में एक बहुत बड़ा कसूर माना जाता है और इसी के लिए उनको झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के लिए ये जो पदयात्रा निकली है, हम सभी लोग विदा करने के लिए आए हैं, आगे लोग जाएंगे, इस बात का प्रतीक है कि अगर ये सरकार, ये सत्ता, ये व्यवस्था ऐसे ही लोगों की आवाज़ों को दबाते रहेगी, उनको कुचलते रहेगी तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम आज सड़कों पर हैं, हम इसी तरह से सड़कों पर उतरेंगे, उतरते रहेंगे। चलिए आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस पदयात्रा का जो डिमांड्स हैं, जो आप थाने को कहने जा रहे हैं या सरकार को कहने जा रहे हैं, वो डिमांड्स तो डिमांड इसका ये है कि जो झूठा मुकदमा है उसको तो वापस लिया जाए, बिंदु देवी को अविलंब रिहा किया जाए और जो दोषी अधिकारी हैं या जो सामंतवादी लोग जो इसमें शामिल हैं षड्यंत्र में, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करे, जांच करने के बाद उनको उचित जो है कानून के हिसाब से कार्रवाई करे सरकार, ये हमारा पूरा डिमांड है। तो चलिए विमर्श न्यूज के इस फेसबुक लाइव से आप भी जुड़ जाइए, हम आपको नजारा दिखा रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर ये जो भीड़ जुटी है आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग, ये सैकड़ों की संख्या में लोग पटना से छपरा की ओर माने परसा थाना की ओर कूच कर रहे हैं और ये पैदल यात्रा उनकी हो रही है। ये पैदल यात्रा इसलिए हो रही है कि परसा थाना पुलिस ने अमानवीय कार्रवाई करते हुए एक महिला सरपंच को देर रात को थाने में 10 घंटे तक बैठाए रखा और उनको झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया है। एक महिला सरपंच जो सगुनी पंचायत की सरपंच हैं और एक संभ्रांत महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, हर रोज पंचायत लगाकर इलाके के क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करती हैं और ऐसी सरपंच को पुलिस ने एक झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया है। विमर्श न्यूज़ के फेसबुक लाइव से आप भी जुड़ जाइए, अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए और आप हमें बताइए पटना के नागरिकों का जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी के बैनर तले बड़ी संख्या में पटना के आक्रोशित लोग सगुनी पंचायत की सरपंच बिंदु देवी की गिरफ्तारी के खिलाफ एकजुट हैं और यहाँ से पैदल मार्च कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये भीड़, इनके हाथों में ये बैनर है, ये पोस्टर है और हाथों में तख्तियां लिए हुए बड़ी संख्या में लोग सगुनी पंचायत की सरपंच बिंदु देवी को अविलंब रिहा करने की मांग कर रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ धीरे धीरे आक्रोश बढ़ते जा रहा है, जैसा कि बताया गया है जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी की तरफ से कि ये पदयात्रा इनकम टैक्स चौराहे से शुरू होकर दीघा होते हुए जेपी पुल होते हुए नया गांव में जाकर आज रात्रि विश्राम करेगा और कल सुबह परसा थाना की ओर फिर से लोग निकल पड़ेंगे। रास्ते में बड़ी संख्या में लोग इस पदयात्रा में शामिल होंगे, जगह जगह से लोग इस पदयात्रा को अपना समर्थन दे रहे हैं और लोग धीरे धीरे इनकम टैक्स चौराहे पर जुटने लगे हैं। आप देख रहे हैं यह भीड़। हम जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक प्रियदर्शी जी से बात करेंगे। प्रियदर्शी जी आप बताइए आपका ये आंदोलन किस लिए है और आपका डिमांड? देखिए जानी मानी हस्ती हैं बिंदु, पटना की हैं, डबल एम ए की हैं, उनके पति मणिलाल जी जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी के संयोजक हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, सॉफ्ट स्पोकन हैं, जेंटिल हैं, आप देखेंगे हमेशा मुस्कुराहट रहता है, लेकिन अंदर से मजबूत लेडी हैं, पंच का ड्यूटी निभाती हैं, कचहरी बनाई हैं, 13 पंच हैं उनके, तो वो सरपंच के तौर पर सैकड़ों मामले, दर्जनों नहीं सैकड़ों मामले थाना नहीं जाते थे। थाना कौन सा दावत था, गांव का एक झगड़ा हुआ, उसमें अन्य लोग जो चुनाव लड़ने वाले हैं, जो मुखिया हैं,
जो गांव के कास्ट इक्वेशन है वो लोग थाना में इनके खिलाफ प्रॉम्प्ट करते हैं, थाना उनको पकड़ के ले जाती है ऑब्जेक्शनेबल तरीके से। वो मजिस्ट्रेट तीसरे दर्जे के मजिस्ट्रेट का उनको पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर है, लेकिन उनको आर्बिट्रेरी ले गया और जा करके वहाँ एक मुकदमा था FIR, उसके जवाब में 381 एक FIR था, 382/21 एक FIR प्लॉट करवाया गया दूसरे पक्ष के द्वारा, झगड़ा में दो पक्ष होता है, और उसमें बिंदु जी का नाम दिया, उसमें कोई सीजर लिस्ट में कोई सीजर नहीं हुआ है, अटेम्प्ट टू मर्डर केस लगा दिया, 307 लगा दिया, वो किसी का गर्दन पकड़ी है, किसी को मारी है, किसी का रीढ़ टूट गया है, ये सब बात उसमें नहीं लिखा गया, कुछ भी नहीं लिखा हुआ FIR में, लेकिन दफा लगा दिया, थाना का काम है। इसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट CJM के पास जब प्रोड्यूस किया गया जेल जाने के पहले, उसी लेवल पर CJM को पूछना चाहिए था कि भाई जो तुम विवरण लिखे हो FIR में उसके मुकाबले डिस्प्रोपोर्शनेट दफा लगाए हो। मुझे याद है कि पटना में इमरजेंसी में लक्ष्मी नारायण एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, इमरजेंसी में जो केस आते थे उनका भी वो कहते थे कि जो तुम लिखे हो चार्ज और जो दफा लगाए हो डिस्प्रोपोर्शनेट है, और वहीं छोड़ देते थे, ये मजिस्ट्रेट का पावर है। तो जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ, जुडिशियल सिस्टम के लिए बहस बनाने के लिए थाना में जो आर्बिट्रेरी किसी को पकड़ करके अटेम्प्ट टू मर्डर लगा देता है केस, जैसे पिछले दिनों पंकज जी को लगाया था, तो ये सब जो चालन है, इसलिए पुलिसिया राज आया है और नीतीश जी सुशासन का राज कहते हैं और बहुत ही मैंने इनोसेंस के साथ बात करते हैं, लेकिन उसके नीचे में थाना के लोग। इस मामले में DSP से भी बात किया गया टाइम पर कि आप प्रोसीड्योरल वायलेशन कर रहे हैं, SP से तो मैंने खुद बात किया था और SP ने मुझे आधे घंटे के बाद जवाब दिया कि इसमें ये कॉन्स्पिरेसी कर रही हैं, तो हम बोले कि कॉन्स्पिरेसी की तो दफा होती है, अटेम्प्ट टू मर्डर का कहाँ मामला है, तो कहा तो उलटपटा दिए जवाब। मतलब ये है कि SP को भी समझ में आ गया, मेरे साथ बातचीत जेंटिल बात हुआ, उन्होंने भी कहा कि आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं, जेंटिल हैं, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, लेकिन SP ने भी इनके साथ मैंने कोई ध्यान नहीं लिया। पटना से कुछ बड़े अधिकारियों ने उनको कहा कि देखो कि कोई ऐसी पढ़ी लिखी महिला है, थाना बैठाए हुए है, उसको झूठ मूठ का दफा नहीं लगा दे, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि SP, DSP और थाना तीनों का एक अलायंस बना और इन लोगों ने बिंदु देवी को बुक कर दिया और कोर्ट मतलब बिना फाइल पढ़े हुए वकीलों के साथ जमानत की अर्जी को टलता रहता है, उसको है कि जिला में जा करके जिला जज जमानत दें। CJM ने अपना दायित्व तो नहीं निभाया। मैं जजमेंट के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं जुडिशियल प्रोसेस पर बोल रहा हूँ, जो भारतवर्ष में बोला जाता है, बोलने की इजाज़त है, उससे कानूनी प्रक्रिया सुधरती है, अमेंडमेंट होता है, आपके माध्यम से मैं जुडिशियल सिस्टम पर भी बात उठा रहा हूँ। तो बिंदु देवी एक बहुत ही जानी मानी भद्र महिला थी, लेकिन बहुत मजबूत थी, पंच का दायित्व तो मजबूती से निभाती थी, ये कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि बिंदु देवी जो सगुनी पंचायत की सरपंच हैं और उनको पुलिस ने झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया है, और इसी के खिलाफ आक्रोशित लोगों ने पटना के इनकम टैक्स चौराहे से परसा थाना तक की पैदल यात्रा का ऐलान किया है, और ये पैदल यात्रा शुरू हो गई है और इनकम टैक्स चौराहे से शुरू होकर दीघा होते हुए JP पुल होते हुए नया गांव में रात्रि विश्राम करेगा, और कल ये यात्रा सारण पुलिस की मतलब छपरा के परसा थाना पर पहुंचेगी, वहां पर एक जनसभा को संबोधित लोग करेंगे। तो ये थी आज का हमारा ये कार्यक्रम, आप देख रहे हैं इनकम टैक्स चौराहे से, पटना के इनकम टैक्स चौराहे से, जहां पर बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि वो ये तस्वीरें दिखाएं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग पदयात्रा के लिए तैयार हैं और बड़ी संख्या में लोग सगुनी पंचायत की सरपंच बिंदु देवी की गिरफ्तारी के खिलाफ पटना से आक्रोशित लोगों की एक भीड़ परसा पुलिस तक के थाने पदयात्रा करने जा रही है, और ये पैदल यात्रा लगभग 70 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा हो रही है। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ आक्रोशित लोगों ने जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी के बैनर तले ये बड़ा ऐलान किया है। हम आगे अपडेट आपको देते रहेंगे, दिन के दोपहर में ये भीड़ जो है, ये पदयात्रा जो है, दीघा में अपना दिन का भोजन करेगी और उसके बाद नया गाँव की ओर कूच करेगी। तो हम आगे का अपडेट भी आपको देते रहेंगे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। हमारे फेसबुक लाइव से जुड़ने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। हमारे फेसबुक लाइव में आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिए। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उसको आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।